कान्हा कृष्णा की किचन में आप सबका स्वागत है। सबको राधे राधे। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो बनाएंगे ब्रेड के बहुत ही टेस्टी स्नैक्स। ब्रेड के स्नैक्स की इस रेसिपी को आप हल्की फुल्की भूख में इंजॉय कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं और साथ में बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं। ब्रेड के स्नैक्स की इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 7-8 आलू लिया है। आलू को हमने उबाल के छील लिया है। आलू आप अपने घर के सदस्यों के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में हमने 2 प्याज लिया है। प्याज को हमने बारीक काट लिया है। 6 हमने यहाँ पे हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में हमने 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को हमने ग्रेटर की सहायता से कद्दूकस कर लिया है। सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेते हैं अच्छे से। आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। आलू के अंदर हम डाल देते हैं प्याज और हरी मिर्च। थोड़ा सा हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और डाल देंगे पनीर। आधा छोटा चम्मच हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 छोटा चम्मच हम डाल देंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप चाट मसाले की जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च हम यहाँ पे कम ही डाले हैं क्योंकि हमने हरी मिर्च बहुत ज़्यादा डाली हुई है। आधा चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर और आधा चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और सब कुछ हम अच्छे से मिला देते हैं। मसाले को हमने अच्छे से मिला दिया है। इस टाइम पे आप मसाले को चेक कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको कम लगे तो आप यहाँ पे और डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने वाइट ब्रेड लिया है। ब्रेड आप जो भी ब्राउन वाइट जो भी इस्तेमाल करते हैं वही आप ब्रेड ले सकते हैं। ब्रेड को हम चाकू की सहायता से 4 हिस्से में काट लेते हैं। इस तरीके से 4 हिस्सों में आप ब्रेड को काट लें। अब यहाँ पे हमने जो आलू का मसाला बनाया है उस मसाले को हम ब्रेड के ऊपर अच्छे से चारों तरफ लगा देंगे। इस तरीके से हम ब्रेड के चारों तरफ अच्छे से आलू का मसाला लगा देंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। सेम पहले वाले तरीके से ही हम ब्रेड के ऊपर आलू का मसाला लगा देंगे। ये देखिए चारों तरफ अच्छे से हमने मसाला लगा दिया है और सारे हम ब्रेड के ऊपर ऐसे ही मसाला लगा के तैयार कर लेते हैं। पहला बैच हमने तैयार कर लिया है। अभी यहाँ पे हमने 1 छोटी कटोरी चावल का आटा लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह मैदा या फिर बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल के आटे में हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आधा छोटा चम्मच हम डाल देंगे चाट मसाला पाउडर। सब कुछ अच्छे से मिला देंगे आटे के अंदर। सब कुछ अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम चावल के आटे का एक पतला सा घोल तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए इतना पतला ही हमें घोल बना के तैयार करना है। 2-3 हमने ब्रेड लिया था। ब्रेड को मिक्सी के जार के अंदर डाल के हमने ब्रेड क्रम्स बना के तैयार कर लिया है। चावल का हमारा घोल बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं ब्रेड के जो हमने स्नैक्स बना के तैयार किए हैं। इस तरीके से हम घोल के अंदर डुबा के निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम चारों तरफ अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। इस तरीके से हम लगा के तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम चारों तरफ अच्छे से लगा के तैयार कर लेंगे। एक बार फिर से हम दूसरा देख लेते हैं। इस तरीके से हम घोल के अंदर डुबा के निकाल लेंगे और फिर से हम ब्रेड के ऊपर चारों तरफ से ब्रेड क्रम अच्छे से लगा देंगे और सारे हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं। पहला बैच हमने
बना के तैयार कर लिया है। साथ साथ हम इनको फ्राई भी कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल हमारा गर्म हो चुका है। तेल के अंदर हम डाल देते हैं एक एक ब्रेड के पीस। एक बार में जितने आएंगे उतने ही हम डालेंगे और गैस को हमने फुली कर रखा है। अगर आप मीडियम गैस रखेंगे तो ब्रेड तेल बहुत ज़्यादा पी सकती है, इसलिए आप गैस को फुली रखें। ब्रेड हमारी एक साइड से सिक चुकी है, इनको हम दूसरी साइड में पलट देते हैं। एकदम आराम से अच्छे से पलट देते हैं। दोनों तरफ अच्छे से सेक लेते हैं और ये हमारे ब्रेड सिक्के तैयार हो चुके हैं। इनको हम बाहर निकाल लेते हैं और ये देखिए पहला बैच हमने निकाल लिया है। सेम इसी तरीके से हम सारे ब्रेड के स्नैक्स बना के तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए गर्मा गर्म हमारे ब्रेड के स्नैक्स बनके तैयार हैं। आप इनको सॉस के साथ या फिर हरी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए स्नैक्स हमारे बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है, तो जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगे आप इस ब्रेड के स्नैक्स की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। राधे राधे।